हेलो भाई। तो कैसे हैं यार सभी? आज अपन बात करते हैं रीप राजस्थान के जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेज हैं उसके अंदर डायरेक्ट एडमिशन कैसे लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये क्वारी जा रही थी कि भैया हमने जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया, हम इस काम में बिजी थे, उस काम में बिजी थे, डॉट 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 एन काम के अंदर बिजी थे तो हमने फॉर्म फिल नहीं किया। तो क्या ऐसा कोई रास्ता है जिससे हम एडमिशन ले सकते हैं, स्पेशली MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर, RTU कोटा एंड CTE उदयपुर, अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, JERCE, अदर अदर जो भी कॉलेजेज हैं, क्या इसके अंदर एडमिशन पॉसिबल है विदाउट रीप के अंदर एनरोल किए, या फिर रीप के अंदर हमें प्राइवेट कॉलेज मिला है, हमने चॉइस फिलिंग गलत कर दी, सेकेंड नंबर पे हमने जो है प्राइवेट कॉलेज फिल कर दिया और वो हमें मिल चुका है। तो भैया ऐसा कोई रास्ता है जिसे हम अपना अच्छा कॉलेज सिक्योर कर सकें? तो और कुछ बच्चों का ये भी क्वारी थी यार कि जस्ट हम कुछ पैसे भी देने को तैयार हैं, हमारी कोई अगर सेटिंग हो जाए MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर या RTU कोटा में तो हम 50-60 हज़ार रुपये दे के भी एडमिशन ले सकते हैं, आपकी कोई अगर सेटिंग हो तो करवा दो हमसे वहाँ पे, ठीक है? तो ये वाला सीन चल रहा था तो मैंने सोचा तुम लोगों को इसके बारे में थोड़ा कुछ बता दूं। तो यार वो जो सीन है ये जस्ट ये मतलब पैसे दे के एडमिशन नहीं पॉसिबल है ऐसे कॉलेजों के अंदर, ठीक है? ये इट्स नॉट पॉसिबल। और अगर अपन बात करते हैं एडमिशन की तो एटलीस्ट 1% चांसेस है कि अगर तुमने रीप में अप्लाई नहीं किया है तो तुम्हें एडमिशन मिल जाए, वरना कोई भी चांसेस नहीं है। क्योंकि जैसे ही अगर अपन बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन की तो डायरेक्ट एडमिशन ऐसा नहीं है कि होता नहीं है, बिल्कुल होगा। ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेज हैं उसके अंदर सभी में डायरेक्ट एडमिशन होगा, MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, CTE उदयपुर में होगा, RTU कोटा में होगा। अगर अपन बात करें MBM इंजीनियरिंग कॉलेज की तो 2020 के अंदर जैसे ही MBM इंजीनियरिंग कॉलेज की रीप की एडमिशन प्रोसेस एंड हुई तो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन डाला कि हमारी इस ब्रांच के अंदर इतनी सीट्स वेकेंट है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, गूगल फॉर्म दिया गया था उसमें अप्लाई कर दे। जैसे ही बच्चों ने अप्लाई किया, एटलीस्ट स्पेसिफिक डेट थी 1-2 दिन का जो भी है, फिर रैंक रिलीज की गई बच्चों के लिए कि आपकी ये रैंक है, आपको ये ब्रांच मिली है, गूगल फॉर्म के अंदर ये सब फिल करना था और वहाँ पे अकाउंट नंबर वगैरह वगैरह जो भी दिया गया था, जिस भी स्टूडेंट को इंटरेस्ट हो अकाउंट नंबर पेमेंट वगैरह करके यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर लें। अगर अपन बात करते हैं RTU कोटा की तो RTU कोटा ने भी ऐसा ही सेम ही किया था, पहले रीप रैंक जो भी रिलीज की थी उनकी स्पेशल रैंक गूगल फॉर्म दिया था वेबसाइट पे, हमने गूगल फॉर्म वगैरह जो भी बच्चों ने फिल किया, फिर जस्ट वेबसाइट पे उसका PDF आया कि आपकी ये रैंक आई है, फिर जितने भी बच्चे थे उनको RTU कोटा में जो ऑफलाइन बुलाया गया वहाँ पे बैंक के अंदर 250 ऐसे कुछ चालान कटा और बच्चों ने वहाँ पे सबमिट किया। वितन 2 से 3 घंटे के अंदर वहाँ पे अलॉटमेंट रिलीज हुए बच्चों को, जिनको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ उन्होंने वहाँ पे रिपोर्ट की, फीस वगैरह जमा किया। ऐसा ही सेम प्रोसेस हुआ था CTE उदयपुर के अंदर, अभी भी उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, जस्ट देख लेते हैं, ठीक है? तो CTE उदयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही अपन चलते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यार आप देख सकते हो जो भी CTE उदयपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे पिछले साल 2020 के अंदर एडमिशन पोर्टल पे आप जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो आपको साफ साफ यहाँ पे दिया गया जो भी जहाँ पे जितने भी राउंड कंडक्ट हुए थे, ओके? तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है किसी को भी। जैसे आप जैसे अभी भी बहुत सारे स्क्रीनशॉट आ रहे थे मेरे पास, बच्चों ने सेंड किए थे कि भैया ये जो काउंसलर्स है जो भी है डॉट 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 डॉट, इन्होंने जैसे एटलीस्ट 7,500 कोई 15,000 रुपए ऐसे ऐसे ले रहे हैं, गूगल पे फोन पे के सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एटलीस्ट सारा जो भी प्रोसेस है, इन बच्चों ने अप्लाई किया, इनकी ये रैंक आई है, ओके? तो यू कैन अप्लाई नाउ। और यार जितने भी जैसे बहुत सारे बच्चे हैं वो लेफ्ट कर रहे हैं, जैसे यूपी के बच्चे MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से सीट विड्रॉल किया है, छत्तीसगढ़ के जो भी बच्चे हैं उन्होंने विड्रॉल किया है, या फिर जिन बच्चों की JEE के अंदर अच्छी परसेंटाइल है और उनको MNIT जयपुर मिल रहा है, MNIT इलाहाबाद मिल रहा है, या राजस्थान के कैंडिडेट को अच्छी जोसा के अंदर अच्छी कॉलेजेस मिल रही है, किसी को जैसे दिल्ली के अंदर कुछ अच्छा इंस्टीट्यूट मिल गया, किसी ने IQ गुजराल में एडमिशन ले लिया,
उन बच्चों की सीट लेफ्ट हो गई, तो जस्ट वो सीटें जो है फिलिंग है डायरेक्टली होगी। लेकिन हाँ, जस्ट जितने भी इंस्टीट्यूट है वो वहाँ पे ये ऑप्शन देते हैं कि आपको अपनी रीप रैंक भी डालनी होती है। ओके, तो जिन बच्चों को ने रीप रैंक में पार्टिसिपेट नहीं किया उनके लिए भी ऑप्शन होता है वहाँ पे। जस्ट अगर आपने रीप में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप जस्ट डायरेक्टली। और यार वैसे अगर अपन बात करें तो इस बार जो है 12th का परसेंटेज क्राइटेरिया राजस्थान में तो बहुत ही ज़्यादा हाई रहा है, क्योंकि सभी को एटलीस्ट 95, 99, 97, 97 तो बहुत अच्छे बच्चों को आए हैं, 96 भी बच्चों के आए हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, 88% जिसके 10th क्लास में थे उसके 96% भी आए हैं, तो इट्स वेरी गुड। ओके, सो यू कैन गेट सीट्स ऑलमोस्ट जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, चाहे वो अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज हो, चाहे RTU कोटा हो, चाहे जो MBM इंजीनियरिंग कॉलेज जोधपुर हो, सभी अपनी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे। ओके, तो आपको ऐसा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप मेरी ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज रोज आ सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट करती है तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगर आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कुछ समझ नहीं आता तो आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है हम यहाँ से डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देते हैं विद इन 1 से 2 घंटे के अंदर। ओके, तो अभी आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे जोसा का रजिस्ट्रेशन चल रहा है, आईसर नाइसर किसी में भी एडमिशन लेना हो तो। और ये हमारा जस्ट PSAC पटियाला है, दिस इज प्रोवाइड इन एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल इंजीनियरिंग, दिस इज फुल्ली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट एंड दिस इज सिचुएटेड इन पटियाला मिलिट्री बेस आर्मी एरिया। यू कैन गेट एडमिशन इजिली इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एरोस्पेस एंड एरोनोटिकल इन BBA इन एविनेशन BMS एंड अदर अदर कोर्सेस। थैंक यू सो मच गाइज। एंड यार जस्ट जो भी है, आप अगर किसी को पे करते हैं तो सिक्योरली पे करें। ओके, गूगल पे फोन पे का आजकल वैसे कुछ भी नहीं बट रहा, वो जस्ट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है कि जस्ट 7,500, 15,000, 20,000 पेड टू दिस 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 पर्सन, और उसके बाद में कुछ भी नहीं होता। आप जैसे उसको लेते घूमते रहो, तो जैसे ही आप पे करते हैं थोड़ा ध्यान रखिए जिसको भी पे करें। ओके, एंड अगर अपन बात करते हैं इसके जो भी है, आपको गाइडलाइंस का फॉलो करना पड़ेगा। अगर यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपको 30 तारीख तक अगर आप सीट विड्रॉल करते हैं तो आपको ये चार्ज लगेगा। अगर आपको लगता है कि अपन 31 तारीख को 31 को विड्रॉल करेंगे तो 1-2 पैसा और कम हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर यूनिवर्सिटी ने 30 तारीख का बोला है तो वो 30 तारीख तक ही रिफंड करेगी। अगर आपने 1 तारीख को अगर एडमिशन कैंसिल किया है तो वो 1 पैसा भी रिफंड नहीं करेगा। ओके, 1 पैसा भी रिफंड नहीं करेगा। इसके अंदर कोई सी भी सिचुएशन क्यों ना हो, चाहे आपके पेरेंट्स ना हो, चाहे आपकी फैमिली इनकम कम हो ज्यादा हो, आप IAS हो, आपके डैडी IPS हो, कुछ भी हो, इसे जो एडमिशन है वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होता है, कुछ भी रिफंड वगैरह नहीं होता। अगर आपका ऐसा कोई चांसेस बन रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सोच रहे हैं कि RTU कोटा में मिल गया ठीक है, अब अगर CSA भी अच्छा मिल जाएगा तो उसमें ले लेंगे, RTU कोटा से विड्रॉल कर लेंगे, सीट पैसे वापस मिल जाएंगे। अगर आप जस्ट लिमिट दे रखी है सीट विड्रॉल करने की, एटलीस्ट 1 महीना होती है, अगर उससे आप ज्यादा तक करते हैं उसके बाद में तो 1 पैसा भी रिफंड नहीं होता। ये कान खोल कर बच्चे ध्यान रखें। थैंक यू सो मच गाइस। 0.01% बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर महोदय, तो यार सब्सक्राइब कर लो, इसका कोई पैसा वैसा नहीं लगता। थैंक यू सो मच बाबा।